थाना क्षेत्र अंतर्गत 15 और 16 की रात्रि को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि एक पिकअप गाड़ी से जिसमें कि 18 लाख के लगभग के सिक्के थे, वो लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। उस लूट की घटना के पश्चात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज पूरा घटनाक्रम का पता चला कि जो वो लूट की गाड़ी थी वो उसी रात्रि को, मतलब उस जिस रात्रि वो घटना हुई थी उससे सुबह में 3-4 बजे के आसपास में उस गाड़ी को बेउर थाना के द्वारा पकड़ लिया गया था। तो उसको पकड़ने के बाद वो गश्ती पार्टी ने उसमें उसको छोड़ दिया था कुछ पैसे लेकर, और उसके पश्चात उनको ये मालूम नहीं था कि अभी कि ये घटना हो चुकी है वहाँ पर, और उस गाड़ी को थाना पे भी लाया गया था और उसके पश्चात उसको छोड़ा गया, जिसमें कि गश्ती गाड़ी के पदाधिकारी और उसमें जो दो गृह रक्षक के जवान थे और एक ड्राइवर, उनकी संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा थाना के एक सब इंस्पेक्टर जो कि जिनका नाम सुनील चौधरी है और SHO प्रवेश भारती, उनकी भी मिली भगत और उनको भी नॉलेज थी, वो भी इस घटनाक्रम में सामने आया। तो इस सब को देखते हुए इस गंभीर घटनाक्रम में सीनियर SP पटना, CT SP वेस्ट और ASP दानापुर, उनके द्वारा पूरे इस घटनाक्रम का पूरी जांच की गई और 4-5 घंटे से आप सभी देख रहे हैं कि इस घटनाक्रम का पूरी अच्छे तरह से जांच करने के पश्चात ये पाया गया कि इसमें FIR करना आवश्यक है, क्योंकि ये गंभीर बात है, गंभीर घटना है, और इस तरह की जो भी एक्टिविटी किसी थाना के द्वारा या गश्ती गाड़ी के द्वारा दिखाई जा रही है उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसको देखते हुए अभी जो डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया है SHO प्रवेश भारती को, एक सब इंस्पेक्टर सुनील चौधरी को और ASI विनोद राय को, दो गृह रक्षक हैं उनको, और एक जो प्राइवेट ड्राइवर है गाड़ी का उसको, और टोटल 6 गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं। FIR ड्राफ्ट कर लिया गया है और इसमें अनुसंधान जो है ASP दानापुर स्वयं पूरे इस FIR का करेंगे, और इनको अब आगे पूरा इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो इसको देखा जाएगा, और इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है एक तरह से, क्योंकि कोई भी गश्ती गाड़ी के द्वारा या किसी के द्वारा भी कोई भी चीज़ जब पकड़ी जाती है, कोई भी रेस्टिंग होती है, तो उसकी सूचना तुरंत वायरलेस से देनी चाहिए, थाना के SDPO को, DSP को, ASP को देनी चाहिए, CT SP को देनी चाहिए, ये कर्तव्य होता है, क्योंकि यहाँ तो पूरा वायरलेस नेटवर्क है और सब है, परंतु किसी भी तरह का कोई सूचना नहीं दिया गया। जो प्राइवेट ड्राइवर के बारे में बताया उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी अरेस्टिंग टोटल 5 हैं और ड्राइवर के बारे में अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में निर्णय लिया जाएगा। तो पटवारी जो बेउर के थे वो कितने में डील किए थे उन लोगों से? हाँ, ये आपको बताया जाएगा, 50,000-1,00,000 रुपये तक के आसपास का ये वो रहा है, जिसमें कि सूचना आ रही है कितना पैसा लेके छोड़ा गया है।